फिर से हम उस दिन वाले ट्रैक पर आ चुके हैं जहाँ पर हमें बहुत बड़ा ट्रैफिक और हैवी ट्रैफिक देखने को मिला था एक गलती की वजह से। तो आज देखते हैं कि वहाँ पर ट्रैफिक का क्या मूड है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राजवीर राजपुरोहित और ये है श्रीनाथ ट्रैवल्स का एक और नया वॉल्वो B11R बस मोड। सो आज हम इसी वॉल्वो B11R बस मोड के बारे में बात करने वाले। सो गाइस, अगर आप चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ठोको, इस वीडियो को लाइक ठोको और कमेंट में हाई ठोको। सो शुरू करते हैं गेम। सो लेट्स प्ले द गेम। अब मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर मेरे ड्राइविंग में आज डिफ़िकल्टी आए तो मैं बता दे रहा हूँ कि मेरे फ़ोन की स्क्रीन बहुत ही गंदी तरह से अब डैमेज हो चुकी है। मतलब यार, स्क्रीन में पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे खुद आइडिया नहीं है और मैं किसी को बताने भी जा नहीं सकता क्योंकि सब कुछ बंद है। सो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है तो मैं देख रहा हूँ, और अगर यही रहा तो शायद आगे जाके एक दो दिन में और ज़्यादा ख़राब हो सकती है, पता नहीं। अचानक ही जो है स्क्रीन में कुछ हुआ, और जब से मैंने चार्जिंग से निकाला है स्क्रीन बहुत गंदी तरह से, टाइपिंग में डिफ़िकल्टी आ रही है, इवन मुझे लिवरी लगाने में डिफ़िकल्टी आ रही है, और जैसे कि यहाँ पर देख रहे साउंड कम करने में भी डिफ़िकल्टी आ रही है। सो बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी हो चुकी है अब मेरे लिए कि तो अभी मुझे बहुत ज़्यादा अभी मैं टेंशन में हूँ कि वीडियो कैसे बनाऊँगा। सो इसीलिए आज मैंने जो है वीडियो पूरा ये शूट करने के लिए मैं थर्ड कैमरा पर ही जाऊँगा क्योंकि ये बढ़िया रहेगा आप सबके लिए। और यहाँ पर ये गाड़ियाँ पता नहीं क्यों गायब हो रही है। अब मेरे आवाज़ से आपको पता चल जाएगा कि कितना टेंशन में होगा मैं, अब सोचना पड़ेगा। और बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये भी है कि यहाँ पर कोई डिलीवरी ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज़ मैं फ़ोन भी मंगवा लेता नया। अब मैं सोच ही रहा था कि नया, आज सुबह ही मैंने बोला था कि मैं शायद फ़ोन लाऊंगा नया, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि जब तक डिलीवरी ऑप्शन नहीं आएगा तब तक तो मुझे यहाँ पर इसी फ़ोन के साथ करना है। लेकिन यार अभी दोपहर के बाद ये जो है डिफ़िकल्टी चालू हुई है। तो कल से मुझे लग तो रहा था, क्योंकि कल जब मैं पबजी मोबाइल खेल रहा था तो बहुत कंट्रोल में डिफ़िकल्टी आ रहा था मुझे, तो मुझे लगा कि कुछ प्रॉब्लम होगा पबजी का ही, पर अब पता चला कि वो प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हुआ था। तो अब देखते क्या होता है, और अगर कुछ होगा तो वैसे वीडियो तो कुछ ना कुछ करके मैं अपलोड करता रहूँगा ताकि आप देखने के। और यहाँ पर हम बात करें बहुत ज़्यादा ऑफ ट्रैक चले गए थे, तो बात करें इस बस मोड के बारे में तो वॉल्वो B11 आप सबको पता ही है। और यहाँ पर जो है ब्रजेश ने यहाँ पर पीछे भी आपके लिए बढ़िया सा अहमदाबाद जयपुर लिख दिया, जो मुझे बहुत बढ़िया लगा, जो बढ़िया है और सच में अच्छा लिखा। और साथ ही साथ आगे आपने नहीं देखा तो ब्रजेश ने यहाँ पर जो है बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन में मतलब लिख दिया है सब कुछ, सो अच्छा है। ये वॉइस इतना, आवाज़ इतना कम क्यों है, अब इतना ज़्यादा बढ़ क्यों है। सो आप मेंटेन रखते हैं कि इतना आवाज़। सो आपको कैसा डिलीवरी लगा वो आप मुझे बता सकते हैं तो ताकि हम समझ सकें। और यार हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर है, और अगर आपको ना समझ में आए कि कैसे डाउनलोड करना है तो आप सीधा जा सकते हैं, उसके नीचे एक वीडियो दे रखा है हाउ टू डाउनलोड लिंक फ्रॉम लिस्ट वाला, सो एनी मोड एंड एवरीथिंग। सो आप वहाँ जाकर जो है कर सकते हैं। तो अब आगे चलते हैं, और तो ये लोग यार पता नहीं कुछ भी दिखाने को तैयार होते हैं, कुछ भी बताते हैं जो कुछ काम का नहीं होता है। सच में इनकी ऐड देखकर मुझे रोना आता है।
सच में, और आप लोगों को बताने में भी मुझे रोकना आता है। सोचता हूँ कभी कभी कि यार कट कर दूँ ऐसी ऐड, लेकिन यार मजबूर तो मैं हूँ। फिर से हम उस दिन वाले ट्रैक पर आ चुके हैं जहाँ पर हमें बहुत बड़ा ट्रैफिक और हैवी ट्रैफिक देखने को मिला था एक गलती की वजह से। तो आज देखते हैं कि वहाँ पर ट्रैफिक का क्या मूड है। अब तो बहुत स्लो जाना पड़ेगा यहाँ पर, जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी मुझे तो लग रही है, क्योंकि इस बंदे को जाना नहीं है, कछुआ चाल करते करते निकल रहा है सारा, कोई काम का नहीं, इसको निकालो रे पहले। अब हमें कछुआ चाल नहीं करनी, हम खरगोश वाली चाल तो नहीं करेंगे, लेकिन हम चीतिया चाल करेंगे, मतलब हम निकल जाएंगे कहीं। ओके भाई साहब, आपको बीच में आने की तकलीफ क्यों हुई? समझदार बंदा नहीं है, समझदार होता तो समझ जाता। ए भाई अब इसको आने की क्या ज़रूरत थी? एक तो स्क्रीन में प्रॉब्लम और बीच में जाने की इतनी जल्दी होती है इन लोगों को, जाने की कहाँ से, मतलब यार इतना शांति से 2 मिनट बैठ नहीं सकते ये लोग, इनको जाने की जल्दी है, पता नहीं इनको तो कहाँ पर जाना नहीं है, हमारा वीडियो बिगाड़ने के लिए पहले ही बीच में आ जाते। वाह भाई वाह, मुझे देख कर तो एक शेर आते आ गया लाए, बस मुझे यार शेर वेर नहीं आते। अब मैं कब का ट्राई कर रहा हूँ, अगर मैंने टच वाला वो किया होता, अगर वो देख लीजिए, अब मैं प्रॉब्लम को बयान नहीं कर सकता, अब आपको दिखा तो नहीं सकता, लेकिन अब मैं प्रेस कर रहा हूँ हैंड ब्रेक को, बट वो नहीं हो रहा, क्योंकि वो होगा अगर मैं उल्टी स्क्रीन करूँगा। दैट्स अ बिग डील ब्रो, अब हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, क्या होगा ज़िंदगी के साथ अब मुझे कुछ याद पता नहीं, और क्या होगा मेरे साथ इस लॉकडाउन में। तो जो आप एरिया देख रहे हैं, मतलब यार जो हमारा कैमरा व्यू वाला है, कैमरा के ऊपर का एरिया, जो कैमरा का लाइन में पूरा, मतलब ये तुम ले लो ये लाइट वगैरह, हेडलाइट और पार्किंग लाइट, वो सब नहीं चल रही है, और मतलब यार एनिमेशन की भी नहीं चलेगा मुझे लगता है। ओके एनिमेशन की चल रहा है, लेकिन ये जो बीच वाला रास्ता है, वो बीच वाले ये जो है वो सारे नहीं चल रहे। अब तो मैं खुद इतना ज़ोर से दबा रहा हूँ, आई होप कि स्क्रीन ना टूट जाए, गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा है यार, इतना बढ़िया लिवरी बनाया और मुझे कंप्लीट एक्सप्लेन करने में भी प्रॉब्लम हो रही है अभी। सो हर रोज़ हम इस रास्ते से आते हैं, लेकिन आज हमने इनके रास्ते को चूज़ किया, जो बहुत लंबा तो नहीं है, लेकिन कह रहे जाए तो वहाँ पर मज़ा आता है, यहाँ पर पैसेंजर बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत उसमें कुछ मज़ा आता है। ओ